राजा साहब आपकी इतनी लंबी कहानी हमने सुन ली है, आप लोगों में तहम्मुल भी तो नहीं है। एक ये भी बड़ा मसला है इस हुकूमत का कि इसमें तहम्मुल और बर्दाश्त खत्म हो गया। मुशाहिदा खान साहब तो सुने ये तो ना कहें, वैसे बर्दाश्त का तो इनको मेडल दिया जा सकता है, बर्दाश्त किस में नहीं है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और जुल्फिकार मिर्जा उन सबके पोल खोल चुका है। अब बढ़े आगे, पोल खोल चुका लेकिन एक तो बर्दाश्त नहीं है, ऊपर से बेहिस भी है सर, कुछ नहीं है। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो कुछ कहा उस पे एक्शन क्या है इनका? मुशाहिद से अर्ज करूं, देखो मैं अभी हम सैलाब पे बात कर रहे, मेरे भाई बैठे हैं, आपने ताने और कोसने और ये पुराने, देखे मैं आपको कर्ज कर मैं नहीं दे रहा, नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। देखे मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम सैलाब पर कंट्रोल कर लें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप डेंगू पर कंट्रोल कर लें, मैं सिर्फ आपसे ये करना चाहता हूँ। ओके ओके सर, लड़ाई झगड़ा छोड़े, आप लड़ाई नहीं, मुशाहिदुल्लाह मेरी और आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बारी पे नहीं बोलेंगे, नहीं ये हालत है इनकी कि अपनी बारी का इंतजार नहीं करते ये। अच्छा मुशाहिदुल्लाह अपनी बारी का इंतजार नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे 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 ठीक है सर, अपनी बारी का इंतजार नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा बोले हैं लेकिन नहीं। मुशाहिदुल्लाह मैं आपको दुरुस्त करना चाह रहा था कि 2 करोड़ रुपए के अदादोशुमार आपने इकट्ठे किए हैं वो गलत है मेरे भाई, ये राजा परवेज अशरफ हैं जिन्होंने इस मुल्क को अंधेरों में धकेला है, आज तक लोग लोड शेडिंग में शिकार है, यहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं दूसरे की बात में, मुशाहिदुल्लाह आप बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, इनके वजीरे आजम ने सांगड़ में लेकिन मैं शुगर मिल का दौरा किया है, किसका शुगर मिल के दौरे कर रहे हैं, बड़े अफसोस ये सांगड़ में इनके वजीर आजम ने इनके एक उतरने की जगह शुगर मिल का दौरा होगी, सड़क थी उस पर काम का दौरा था, मुझे तो नहीं पता लगता कि मैं इनसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आपने एक बात की है वो गलत कर रहे हैं, आप आवाम को गलत बता रहे हैं और आप खाली ये जो बता रहे हैं कि हर जिले को सिर्फ 2 करोड़ रुपया दिया गया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक हफ्ते के राशन का जो बिल दिया है वो 1.53 बिलियन है जिसमें टेंट भी शामिल है। मुशाहिदुल्लाह साहब वो करेक्ट आपका एक फिगर करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमने जो फुटिंग की है बिल की वो ये है 2 करोड़ रुपए नहीं दिए, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, आप तो उसमें चले गए, और दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं ना कि वो 29 अरब है पीएम का, बस खाली 2 करोड़ दिए, अब देखें अब 2 करोड़ एक जिले को, 2 करोड़ एक जिले, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप जिम्मेदारी से कह रहे हो। अच्छा मैं काम जो है, अच्छा यार इनकी बात में एतबार नहीं करेगी, सुन लो एक सेकंड, ओके राजा परवेज अशरफ की बात में एतबार नहीं करेगी, मेरी बात में एतबार करेगी, इसलिए जो कुछ कहते हैं इट्स वेरी अनफेयर, ऐसे ना करें। देखिए आप सब अवामी नुमाइंदे हैं शेख साहब, जो बातें आपने जो क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए थे, आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि ये जो पीएम की फ्लड कमेटी के मेंबर्स हैं ये इनकी असेसमेंट करेक्ट है, और सदर मुमलिकत का ना जाने की भी इन्होंने वजह बताई है। देखें अगर ये राजा साहब अगर खुद मुतमईन होते और लोग मुतमईन होते तो हमें खुशी होती, मेरा यकीन है कि ये जैसे वो कह रहे हैं कि डिजास्टर बहुत बड़ा है जी, और इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इनकी जो मैनेजमेंट है या इनकी जो रिलीफ टीम है वो बहुत इन सलाहितों और ट्रेनिंग से आ रही है, और जो ये अभी आटा कह रहे हैं कि इन्होंने खुराक बांटी है 1 पॉइंट कुछ बिलियन की, मैं तो चौंक गया हूँ, ये बहुत बड़ी रकम है, इस पर भी नज़र रखें, बिलियन जो होता है राजा साहब को पता है कितने का होता है जी हाँ। सो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं शेख साहब एक दफा फिर रिपीट करवा देते हैं, मैं सिर्फ ये सिर्फ NDMA की मैं बात कर रहा हूँ कि NDMA ने जो राशन जो टेंट खरीदे हैं मार्केट से और जो है वो 1.53 बिलियन रुपीस का है अब तक खरीदे जी हाँ। ओके शेख साहब ये बड़ा फिगर है, ये कह रहे हैं 1.53 बिलियन का पहुंचाया सामान, वो ऐसा होता है कि NDMA सारा ज्वालों के घरों में चला गया है। अच्छा यार सारा इनके ज्वालों के घरों में ट्रक खड़े हैं जी हाँ, ये कुछ वो सस्ती रोटी वाला तंदूर तो नहीं है ना जो आप मशहूर है, आप लोग करप्शन करने में आपको तब उसने कार्यकर्ता देना चाहिए, मुझे तो बहुत अफसोस आ रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों आ गया। देखिए अभी हम क्यों अफसोस आ रहा है सर, देखिए अब ये तरीका कार तो नहीं बात ही नहीं कर सकते वो, एक ओके ओके आप दोनों एक सेकंड जरा 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 अब आपको पता लगा है, अब आपको पता लगा कि क्यों किसी की बात में तहम्मुल जो है ना तो पता लग रहा है। मुशाहिद साहब क्या हो गया आज आपको, वैसे तो आप
किसी से लड़ते नहीं है आज, आपको लड़ाई करने का दिल चाह रहा है। आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं आप बिलावजा? मतलब है ये कुदरती इसलिए कि आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? करने दे रहे, ये मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? मैं क्यों अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं है, दूसरे को बात नहीं करने देते? कैसे नहीं बात और कह रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों आ गया हूँ? भाई आप नेल्सन मंडेला है, आप बहुत बड़े लीडर है, नहीं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आपकी क्या सियासी है? क्या हो गया यार? अच्छा, क्या मैं हो गया तो कुछ नहीं समझता तो, लेकिन आप क्या समझते हैं अपने बारे में बता दीजिए। आप बहुत ऐसे कर रहे हैं, आपने बिजली का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, आपका गिरेबान पकड़ना है लोगों ने। मुशाहिदुल्लाह आप सैलाब में माल बनाएंगे, प्लीज मेरी बात सुनिए, पावर प्लांट में माल बनाते हैं। मुशाहिदुल्लाह आप अपने आप में जान का माल बनाएंगे। मैंने एक दिन आपका एक प्रोग्राम देखा था और वहां पर मेरे ख्याल दूसरी तरफ कोई साफी थे, और वो जो बातें आप कर लेते हैं चैनल पर बैठ कर, खुदा हमसे ना कराए, और जो आपने अपनी बेइज्जती भी करवाई थी और उसकी भी की थी, तो ये कौम के सामने ये बातें ना रखें प्लीज। खुदा के लिए कोई अपना भी चेहरा रहने दें, माल बनाने के का भी चेहरा रहने दें, इस पे भी एक शो कर देंगे, जान की मदद करें, ठीक है। ये माल बहुत बना लिया आपने, ठीक है, ठीक है, पावर प्लांट में थोड़ा बनाया जो आप सलाम खान को खाने के चक्कर में। ओहो मुशाहिदुल्लाह साहब, ये देखे किस तरह की आप लोगों को लेकर आकर बिठाते हैं, जिनको बात करने का तो कुछ नहीं। राजा साहब बहुत अमीर हो गए आप 3.5 साल। अच्छा यार बस ठीक है, अभी आप लेकिन अब सलाम जदगान पे रहम करें। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड शेख साहब, कैन यू प्लीज कम टू द इशू की तरफ बात करना चाहिए। तो चले ये रिवायती एक वो है, टसल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, कभी साथ नहीं चल सकती, लेट इट बी। सो फाइनली इट्स ओके अगर एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं तो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो फिगर्स राज साहब दे रहे हैं या यहाँ पे बैठ के जो मॉनिटरिंग हो रही है, या जो मैंने जैसे पहले सवाल किया था डी वाटरिंग, अब शहरों में जो पानी सर खड़ा हो गया है उसको निकालने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये किस तरह किया जाएगा? मैं राज साहब से भी ये पूछूंगी, आपके पास इसका कोई मशवरा है? देखें, मैं तो आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि ये जो लोगों ने गैर कानूनी डैम बनाए, जाली में उस वक्त इस्तेमाल कर गया लफ्ज़, मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं आया, सोच में नहीं आया, ये इन सब डैमों को भी ख़त्म करें राज साहब। वहाँ ये लोग अपनी ज़मीन की काश्त को बढ़ाने के लिए लोगों का हक मारते हैं, और आबाद किस तरह करेंगे इन लोगों को दोबारा? कच्चे की ज़मीन पर इन लोगों को कौन जाने देगा? देखें आप नक्शे में देखें कि ये कुदरत का अजीब अजाब है। पहले ये जिस बैंक पर पड़ा है, जिस राइट विंग पर आया है, ये लेफ्ट विंग सिर्फ रह गया था सिंध का, और सिंध की क्रॉप्स पाकिस्तान की टाइमिंग जबरदस्त टाइमिंग है, इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का सारा सारफ भी तबाह बर्बाद होगा। जब वो 13-14 हज़ार रुपए की मिर्च खाएगा तो उसको लग पता जाएगा, जब उसकी एक्सपोर्ट नहीं होगी। मेरा ख्याल है हम बजाय इसके कि हम लेट्स कम वीएन के इस मुल्क को 2-3 महीनों में शदीद किस्म के माशी सियासी इकतसादी लॉ एंड ऑर्डर इंटरनेशनल मसलों से गुजरना पड़ रहा है, और ये प्रेशर जो है, इवन दी अमेरिकन्स दी इंडियन, इवन ये वक्त आ गया कि अफगान भी हमसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, करजई साहब भी आज किसी और चैनल से बोल रहे हैं। सो थिंग्स आर वेरी सीरियस, ये लोग अकोमोडेट होने चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये अकोमोडेट हैं, तो इसका नतीजा इनको पता लग जाएगा। अगर ये खिदमत करेंगे इनको सिला मिल जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो इनका बुरा हाल होगा इस इंटीरियर सिंध में। ये सारा का सारा सिंध जो है ये अच्छा बात कर रहे हैं ठीक जी करें करें सिंध तो आपका खुद ही मैं आपसे कर्ज करूं कि ठीक है, ये बड़े लोग इधर आते हैं और दावे करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिंध किस करेगा, और हर दफा आप कर देना, हर दफा ये साबित हो चुकी है बात। अब तो मेरा ख्याल है कि एक रोजे रोशन की तरह यहाँ है ये बात। देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि पहली बात तो ये मैं करना चाह रहा था, तो मुशाहिदुल्लाह साहब जज्बाती हो गए, वो चलें कोई इन्होंने मुझे बात क्यों नहीं करने मैंने तो आपकी सारी बात सुनी मुशायद साहब। बात ये है हमने सवाल करना है, इन्होंने जवाब देना है कि आपकी लीडरशिप सलाम जदगान के साथ क्यों नहीं है? नहीं, ओके, आप जवाब दे साथ इसका। आपको क्या कह रहे हैं? आपकी लीडरशिप मच्छर काटते हैं, ठीक है, सदरे पाकिस्तान मच्छर काटते हैं, लीडरशिप नवाज शरीफ 4 दिन के लिए वहां पे बैठ होकर गए हैं, तो ये क्यों नहीं बैठते? अच्छा देखो मुशायद साहब, ये क्यों नहीं बैठते? देखो मुशायद साहब ये बातें देखो, ये हम किसी और बताते हैं आपको, मेरा ख्याल है ये सवाल पुट अप किया आपने, आपकी लीडरशिप को मच्छर काटते हैं, आपके सवाल आ गए हैं, बराए मेहरबानी मुझे जवाब देने चाहिए, आप काबिल एहतराम है मेरे लिए।
हमने आपस में लड़ना नहीं, मैं सिर्फ ये हाँ, लड़ना नहीं चाहिए लेकिन अपनी बारी पे बोलना चाहिए। मैं आपको भाई आज क्या हो गया आपको? नहीं मुझे इंटरप्ट किया था, आप बात ही नहीं करने दे रहे। शेख रशीद साहब से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की ना, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनकी सुनी। अच्छा चलें, अभी आप अगर बात नहीं सुनेंगे मुशायद भाई, तो हम भी सरकार को राजा साहब देंगे। मुशायद साहब आपको कैसे जवाब देंगे? आप जवाब तो देने देना उनको, जवाब है ही नहीं इनके पास। आप सवाल भी खुद करें, जवाब भी खुद करें। सर ये जी सर बताएं, क्या जवाब सवाल में खुद करते हैं तो वो खुद ही जवाब दे रहे हैं। ओके ओके, मैं आज एक कमिटमेंट रहा साहब, ये एक सीरियस आपके ऊपर एलिगेशन है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए, क्यों नहीं करते मदद इसका भी बताएंगे। दूसरा मैं आपसे एक सीरियस वहां जाके क्यों नहीं बैठते जैस्मीन, अभी इतने सवाल हो गए, मैं क्या कर रहे हैं? अगर ये उस कमेटी के मेंबर है तो इन्हें मीरपुर खास में होना चाहिए, इन्हें नवाब शाह में होना चाहिए। आपके पास क्या ले रहे हैं बैठे स्टूडियो में, ठंडे ठंडे स्टूडियो में? ये तो कमेटी के मेंबर है, इन्होंने तो सैलाब जदगान की मदद करनी है। ये कराची में ठंडे ठंडे बास्केट पहनकर बैठे, इसका क्या जवाब दूं जैस्मीन में? मुशायद मैं ये कहना था, जवाब आप किसी भी चीज का नहीं दे सकते। जवाब आप लोड शेडिंग खत्म करने का जवाब दिया आपने, काम को आप जरूर तशरीफ लाइएगा, उस पर बात करेंगे। मैं ये वो चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अलग प्रोग्राम करूंगी, बिकॉज ही हैज इज एंटाइटल्ड टू गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दीस सीरियस एलिगेशंस। मैं आपको पहले भी इनके पास पॉइंट ऑफ व्यू आई नहीं, ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? क्या है ये शायद साहब, एक सेकंड, अब मैं बताऊं शायद साहब क्या बताऊं, सबक मैं सिखा रहा हूँ आज। आपने मुझे मुस्तकिल बात नहीं करने दी, आपको आइंदा के लिए सबक सिखा रहा हूँ मैं कभी किसी की बात मैंने तो नहीं रोका। okay, आपने किस तरह मुझे बात नहीं करने दी? जस्ट वन सेकंड प्लीज, देखिए मुशायद साहब, प्लीज मुशायद साहब जी, मैं मुशायदुल्लाह साहब ने ये कहा था, नहीं मुशायदुल्लाह साहब ने ये फरमाया था कि इन्होंने हर जिले में सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या 2 करोड़ रुपए से ये सैलाब की जदगान की मदद हो सकेगी? तो मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा था, जो बात ही नहीं करने दे रहे, वो ये था कि ऐसी बात नहीं है। जो ही ये सैलाब का बारिश शुरू हुई तो सूबाई हुकूमत ने तमाम जिले हेडक्वार्टर्स के ऊपर अपने DCO को जो है ना कुछ रकम शिफ्ट की, और वो होती है उनकी अपनी मोबिलाइजेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत फेल हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू सूबाई हुकूमत, आपके पीपल पार्टी के लोगों ने शुरू करने आके कहा MNAs ने के हमारे MNA अपने अपने लोगों को चीजें बांट रहे हैं, ये आपके MNAs ने आके कहा है। यार मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई हल्का हो, अगर आप किसी हलके से मुंतखब होकर आए तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप अपने हलके में अपने लोगों में असेंबली के नहीं आप जीत कर आए पार्टी नहीं असेंबली में आप आए जीत असेंबली में नहीं आया मैं इलेक्शन कोई बात नहीं भाई लेकिन मैं मुशायद साहब आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो जो भी MNA होता है या MP हो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने वोटर्स का ख्याल न रखे, अपने लोगों का न रखे, उसको लोग देख रहे होते हैं। सिंध में जिसने करोड़ों अरबों रुपए इस मुल्क के आवाम के खा के लंदन शिफ्ट किए हैं, यार वो लोग आपके बारे में भी यही कहते हैं कि आपने लंदन शिफ्ट किए हैं, फ्लैट आप लोग आप सैलाब का पैसा खा रहे हैं, मोटरवे में पैसे खा रहे हैं, अभी हालिया आपने जो है सस्ती रोटी और तंदूरों में खाए, क्या बातें कर रहे हो? आप मुंतखब होंगे तो आवाम को लूटेंगे, आप मुंतखब होंगे तो आवाम के लिए जन्नत का आपने बंदोबस्त किया ना पंजाब में, आवाम देख के आवाम में पंजाब में रहता हूँ, क्या आप बातें कर रहे हैं? बात कहाँ की थी, कहाँ ले गए? लंदन में रहते हैं आप सिर्फ लंदन में रह के टोटल हैसियत से है, डीलिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप ये बातें करके अपनी जगह बनाते हैं अपनी जमात में, उसके अलावा आपकी क्या यूटिलिटी है? आप माल बनाते हैं, आप जाकर पहले किसी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं कर सकते। हालात ऐसे हैं कि मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ये बात बता रही हूँ कि जो बातें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कही है ना कि कहीं उनको आना ना पड़ जाए, तो फिर ये आप सोच लें कि क्या होने वाला है। इट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस कि ये जमहूरियत डीरेल ना हो। एनीवे मैं आई जस्ट लाइक टू थैंक यू, मैं थैंक यू करना चाहूंगी राज साहब, आई एम सॉरी ये बात कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं, तो आपने एक सवाल किया था, मैंने क्या बताएंगे भाई यार, मैं आप कुछ नहीं बताने को कुछ नहीं है, बोले जा रहे हैं, मैं अभी इनको कुछ नहीं कहूंगा, बोले जाऊंगा ना ताकि आप आइंदा पढ़े आप आइंदा आदाब सीखें,
और आपको मैं आदाब सिखा रहा हूँ भाई, करना चाहता हूँ कि यहाँ टॉप शो के आदाब होते हैं। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि आप बोलेंगे ना दूसरे को बोलने देंगे? ऐसे थोड़ी होता है कि हम फील्ड में जाके इसका माल बनाना छोड़े और आवाम की मदद करें। अपने सदर और वजीर आजम को भी कहें कि करप्शन छोड़े, आवाम के मसाइल को हल करें।